दीपक नाम का यह व्यक्ति जो विकलांग होने के बाद भी हार नहीं मानता, हर रोज इसी तरह से 12 किलोमीटर का सफर करके मंगलाई गांव में आता है और मंगलाई फैक्ट्री के सामने अपनी एक्टिवा पर पूरा सेटअप खाने का लगाकर बेचने आता है। पहले किसी फैक्ट्री में काम करता था, अब काफ़ी समय से भोजन बेचकर अपनी बूढ़ी माँ, अपनी बहन व अपना गुजारा करता है। उससे बात करके पता चला तो मुश्किलें तो बहुत आई जिंदगी में, पर कभी भी हार नहीं मानी, हंसकर व डटकर उनका सामना किया। दीपक 40 रुपए की थाली खाने की देता है और उसके बाद नगर परिषद के पास भी जाता है। दीपक बताता है कि उसकी माँ ये सारा खाना खुद तैयार करती है। दीपक के जज्बे को देखकर बस यही पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि सफ़र में मुश्किलें आएँ तो जुर्रत और बढ़ती है, जब कोई रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। मेरा नाम दीपक है और ये काम मैंने स्टार्ट किया है 8-10 महीने पहले, और यहाँ पर सबसे पहले मैं 12 बजे यहाँ पर मंगलाई में पहुँच जाता हूँ और यहाँ पर 1 बजे लंच होता है। उसके बाद यहाँ पर से फ्री होने के बाद मैं कमेटी दफ्तर अम्बाला कैंटे जाता हूँ, तो वहाँ पर भी अच्छा रिस्पांस है, यहाँ पर भी अच्छा रिस्पांस है। चले जाते हैं 3:30-4 बजे। 3:30-4 बजे प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते थे तो ऐसे एक्टिवा पे ही पूरा सेटअप लगा के आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, अब तो आदत हो गई है। अच्छा, आदत पहले भी एक्टिवा 4 पहियों की। कितना रुपये की थाली रखी हुई है? वैसे तो 40 रुपये अभी। पेटीएम की भी फैसिलिटी है? हाँ जी, पेटीएम, गूगल पे वगैरह। तो कितना रहते कहाँ हैं? मील के पीछे, लक्की विहार। कितने किलोमीटर पड़ जाता है मंगलाई? मंगलाई पड़ जाता है मेरे घर से तो पड़ जाता है 12-13 किलोमीटर। हर रोज आते हैं? हाँ जी। या किसी दिन छुट्टी होती है? छुट्टी संडे की करता हूँ। ठीक है, वैसे तो रोज ही आता हूँ, कई बार चांस होता है छुट्टी लग जाती है। तो जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री के लोगों का आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? अच्छे हैं, सब सपोर्ट करते हैं मेरे को। खाना पसंद आता है आपका? हाँ जी। अच्छा, खाना कौन बनाता है? मम्मी बनाते हैं। मम्मी बनाते हैं, ठीक है। घर में कौन कौन है? मम्मी है, एक बहन है। तो मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता होगा? बस करना तो पड़ता ही है, काम करना है तो।